मेरे आने के पहले ये बोले कि अभी किसी और को आना है, मैं पूछा यार वो अच्छा कर देंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा तो मेरा तो हो गया कल्याण। ये बोलते नहीं 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 करेंगे नहीं करेंगे, कोई चिंता नहीं है। और फिर आके गांड फाड़ के चले गए। अब इसके बाद मेरे ऊपर प्रेशर आ गया है, तुम लोग हंसोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन हंसना उसना अपने ऊपर है, मैं बैठ के करूंगा। स्टैंड अप कॉमेडी को सिट डाउन कॉमेडी क्या बता रहा था मैं, देख देख के भी बोलूंगा मैं। 35 साल के भैया आए अभी हगने पे ज्ञान दे के चले गए। लेकिन अच्छा किए, बहुत अच्छा किए वो, मतलब शुरू शुरू में बताते हुए गए ना, इसके बाद मैं 5 लाइनें और करूंगा, इसके बाद मैं 10 लाइनें और करूंगा, टीचर टाइप का टीचर। रुक जाओ निकाल लेता हूँ। खैर छोड़ो, रायगढ़ में भी स्टैंड अप कॉमेडी हो गया यार अब। मैंने यहाँ पे ओला उबर भी है नहीं, जोक किस पे मारूंगा मैं यहाँ पे, किस चीज पे जोक मार लो ये नहीं समझ आ रहा मेरे को। भाई मैं सही हूँ, भगवान कसम कुछ नहीं लिख के आया हूँ। मैं क्या क्या सजा बकचोदी करेंगे यार, फिर आप लोग को देखा तो बोला बकचोदी किया जा सकता है यहाँ पे। एक दो जो लौंडे वहां से आ रहे हैं, मतलब ऑडियंस समझना पड़ता है ना यार स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए। तो अब मैं रायगढ़ का ऑडियंस कैसे समझूंगा, वहां से दो लौंडे आ रहे थे आपस में बात करते हुए, मैं रेप करिया रेप करिया देखा कर मैं दिखता रहे तुम लोग का, मैं यहाँ पे जो सुनोगे तुम लोग को इंटेलिजेंट वाले तो घंटा हंसोगे। खैर मेरा नाम आदित्य दुबे है, मैं बैंक ऑफ अमेरिका में काम करता हूँ। बैंक ऑफ अमेरिका, एक जन बोल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा कहा जाता है, बैंक ऑफ अमेरिका है। मैं 2-3 बार इसलिए बताता हूँ ना, यहाँ जल्दी से कोई सुनता नहीं है समझता नहीं है, मेरे दोस्त लोगों को बताना पड़ता है। हाँ भाई बैंक ऑफ अमेरिका देख, लिंकडइन प्रोफाइल खोल के दिखाता हूँ, लिंकडइन एक ऐप होता है पता है देख सकते हैं कौन क्या क्या नौकरी करता है। मैं दोस्त लोग सर यहाँ चूतिया ही थे ना हमेशा से स्कूल में, एक तो खड़ा है इसको मैं बोला भाई रायगढ़ में टैलेंट वैलेंट है क्या, बोलते हैं हाँ यार थोड़ा बहुत टैलेंट है, आजकल फूड ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। मैं बोला टैलेंट की बात बताया। मैंने बुरा मत मानना भैया, कहाँ गए चले गए क्या, बुरा मत मानना। मैं इसको बोला मतलब अंडर एस्टिमेट करते थे ना यार यहाँ पे लोग टैलेंट क्या है यार, वही बड़ा तो खा रहा है बड़ा का तो फोटो ले रहा है, तो ऐसे बोलो नहीं, सबका अपना अपना कला होता है। हालांकि कैमरा चालू करके फोटो को वीडियो बनाना उतना भी टैलेंट नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है। मैं बताया अपने कई दोस्तों को बताया यार, मेरी एक दोस्त है उसका नाम रिवील नहीं करूंगा है ना, क्या पता अगले मन की बात में यही इवेंट आ जाए। खैर तो उसका नाम मंजू है, मंजू बोल देते हैं, उसका असली नाम कुछ और है ना, तो विश्वास नहीं करते हैं जल्दी से कि मैं बताऊंगा मैं बैंक ऑफ अमेरिका में काम करता हूँ। मंजू के बारे में थोड़ा पहले बता देता हूँ, मंजू प्रिंस से प्यार करती है, प्रिंस प्रिंस माने समझ रहे हो ना, यहाँ यहाँ बाल खत्म ऊपर गोबर को उछला सुना है। तो प्रिंस जो है वो उसका इंस्टाग्राम बायो क्या है, आई डोंट वॉन्ट टू डाई सोबर, विमल खाता भोसड़ी, आई डोंट वॉन्ट टू डाई सोबर। ये प्रिंस है और इस चूतिया से मंजू प्यार करती है। अब इस मंजू को मैं बताऊंगा कि मैं बैंक ऑफ अमेरिका में काम करता हूँ, उसका रिस्पॉन्स यही रहेगा ना, चूतिया समझता है क्या रे तू मेरे को, रिस्पॉन्स था सही बता रहा। तो इसीलिए यहाँ पे माहौल जमने में टाइम लगता है मेरे को, एक मिनट है, सब लोग बीच में थोड़ा पॉज लेंगे, हम लोग रिफ्रेशमेंट वगैरह करवाते रहिए। हाँ तो वैसे मैं इसको दूसरा जोक मैं ये लिखा था ना कि हंसना आप लोगों को पड़ेगा, देखो दुख जिसके जीवन में बहुत रहता है वो साला नहीं हंस सकता, चाहे जितना भी अच्छा मैं जोक मार दूं वो नहीं हंस सकता। तो आज हम लोग पता करेंगे कि आप लोगों के जीवन में दुख कितना है, ठीक है, कौन कौन परेशान है कितना ज्यादा है, सब परेशानी छोड़ो तो। अच्छा मैं प्रिंस का असली नाम बताना भूल गया, डेल्टा निक का।
रायगढ़ के लौंडे के बारे में लोग मैं क्या बताऊं यार, रायगढ़ के लौंडे का मैं जीवन जान रहा हूँ क्या होता है। दसवीं करेगा, बारहवीं कर लेगा यही किसी जाट स्कूल से, उसके बाद या तो साला बीकॉम करेगा या बीएससी कर लेगा यही किसी कॉलेज से। ये मेरा दोस्त किया है। या तो बीकॉम करेगा या बीएससी करेगा या तो ओपी जिंदल से बीटेक कर लेगा। या तो ये यहाँ पे एक टू किरोड़ी मार्केट के एक टू और वहां जाके बीटेक कर लेगा, उसके बाद बेरोजगार। और उसके बाद फिर टैलेंट निकलता है, फिर ओपन माइक का स्टैंड अप वगैरह चालू करता है। ये रायगढ़ के लौंडे का जर्नी है। शाम को फिर निकलेगा स्कूटी में ऐसे चूतिया से मुंह बनाएगा, वहां जाके सिगरेट पिएगा, बोलेगा चल शाम को चलोगे सिटी साइड दर्शन करें। मतलब ये जीवन है रायगढ़ के लौंडों का। और लड़कियों का भी थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा हुआ मेरे को लास्ट में बुलाया ना, यहाँ पे 20 खड़ी थी और ये कहा गया बीच वाला तो छेद बड़ा हो जाता है वाला जोक मार रहा है। बोला यार सीनियर सिटीजन को बुलाए हो तुम, कम से कम वो रखना चाहिए ना, क्या बोलते हैं उसको, डिसेंसी, मर्यादा। ये वाला भाई भी आया था जोक मारने के लिए, इसका पैंट देख के हंसी आया मेरे को, खाली चुटकुला पे तो उतना आया। मेरे को लगा ये पैंट पहनना है जानबूझ के इसी पे कुछ चुटकुला सुनाएगा, लेकिन ये आदमी जो ऐसा है। एक और भाई आया था ना, क्या नाम था, ऐश्वर्य राय, ऐश्वर्य राय। उसके चुटकुलों से ज्यादा लोग शायरी पे हंसे। एक दो डॉर देखता हूँ ना, मजा आते रहना चाहिए यार। यहाँ पे मैं आने के पहले सोचा एक आध दोस्त लोग को ना अपना जोक वोक सुना, मतलब यहाँ पे वो नहीं है ना यार आर्ट वाला सीन या टैलेंट वाला। अभी देखो झाड़ भर के मुंह बराबर लोग आए हैं, अब इसमें मैं क्या सुनाऊं क्या बोलूं, इसलिए तो मैं खुद भी बैठ गया हूँ क्या साथ में बकचोदी करेंगे। अब यहाँ पे मेरे को लगा कहाँ गया दिलीप, वो बोला मेरे को 150 लोग आएंगे कम से कम भैया। यहाँ मैं आके देखा वो ताली बजाने के अलग से लौंडा को बुलाया हूँ। कुछ तो करेगा, तो मेरे को बोला बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे भैया, कुक बुक वाला का तो मैं कर ही दिया है ना, बाकी फिर वो बताया रैपर वैपर भी आएंगे बहुत बड़े बड़े, तो आए हैं क्या, नॉर्मल क्यों नहीं बात करते हो आप लोग भाई, सीधे सीधे बोल दो यहाँ पे तो लोगों को एक एक घंटा बाद बुलाओ आखिर में हैं क्या कहे उसमें तो घंटा किसी को समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं यार। और रैप वैप को मैं देखा हूँ तीन चार चीजें मिक्स कर दो रैप बन गया। पहला मैं बहुत गरीब था लेकिन जिंदगी गांठ फाड़ रहा हूँ अपने। दूसरा उसमें कुछ देशभक्ति का एंगल डाल दो, देश मेरा भारत मेरा ये मेरा वो मेरा, ठीक है। उसके बाद आखिरी में पता नहीं कहाँ से रैंडम एक बुढ़वा बीड़ी पीते रहेगा उसी बगल में खड़ा। बढ़िया रैप है नहीं, टैलेंट सबका देख भाई अच्छा है बस। लेकिन अब मेरे को यार स्टैंड अप कॉमेडी में आके बोलना पड़ेगा, मजाक कर रहा हूँ तो क्या मतलब है। स्कूल के बारे में बताता हूँ मैं अपने थोड़े, मेरा स्कूल दुनिया का सबसे चूतिया स्कूल, नाम नहीं लेना चाहूंगा, सालनी कॉन्वेंट, ठीक है। मेरे स्कूल के बोर्ड में लिखा रहेगा स्पीक इंग्लिश थिंक इंग्लिश टॉक इंग्लिश वॉक इंग्लिश, है ना। और भी उस समय ये कुछ रैली चल रहा था मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान, हाथ वाथ धो के सब लड़के लोग को साबुन धुलवा रहे हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे करके निकल रहे हैं। उसी में मेरे टीचर लोग हैं, मतलब थिंक इंग्लिश स्पीक इंग्लिश लिखे हो यार बोर्ड पे, टीचर तो स्टैंडर्ड वाले रख लेते हैं ना उसमें, टीचर लोग साला खुद हिंदी में बात करते हैं। हम लोग ऐसे जा रहे हैं स्कूल में लाइन लगा के, मेरा कंप्यूटर टीचर इंग्लिश टीचर को बोल रहे हैं चलो लौड़ा हम लोग गाड़ी से जाएंगे। ये टीचर है, ये स्टैंडर्ड है। ऐसे ऐसे लोग भर रखे, वो इग्निशियस कलकत्ता का टीचर है, वो पांच रुपया मांगता है साला वो अंग्रेजी, अगर अगर हिंदी बोल दिए तो, अब खुद ऐसे बात करता है यार तुम लोग ना बहुत बच्चों लोग हो यार, तू साले अंग्रेजी में पैसा मांगेगा हम लोग से, खुद ढंग से हिंदी इंग्लिश नहीं बोलने जानता है वो। मोबाइल को नीचे रखना ही नहीं चाहिए मेरे को ना। कॉलेज वॉलेज पे बताता हूँ यार, कॉलेज पे मैं गया, अब वहां पे मेरे जितने दोस्त हैं सब एकदम चूतिया टाइप के दोस्त बने मेरे स्कूल से, स्कूल से यही रहा है मेरे जितने दोस्त हैं सब चूतिया।
अब वहाँ गया एडू मेरा दोस्त है, बोला यार रात को मंगाते हैं पिज्जा ही जब मंगाते हैं, भूख बहुत लग रहा है। अब पांच छह लोग थे, सबको पैसा ऐसा दिया, 60-62 रुपए का पिज्जा मंगाया, अनियन पिज्जा खाए हो तुम लोग? हाँ, तो अनियन पिज्जा मंगाया, यहाँ डोमिनोज आ गया। तो उसके बाद मंगा लिया सबको 62-62 रुपए का, सबसे पैसा ले लिया। आखिरी में पता चल रहा है साला एड्रेस को चेंज किया नहीं था, पिज्जा चेन्नई में मंगाया, पहुंच गया इलाहाबाद, वहां पे पिज्जा एक बार, हाँ भैया कहाँ पे खड़े हो? अबे यार मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, तू कहाँ खड़ा है? भैया भैया कर कैसे बात कर रहा है? अन्ना बोल रहा तेरे को मैं अजय बोला था बीच में कॉल कर, तूने किया नहीं, तू लड़का जोक का गान मार लिया बीच में उठा रहे थे फोन। ठीक है, तो यार मैंने सोचा था बहुत इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट जोक मारूंगा आके, लेकिन तुम लोग ना भोसड़ी के पे हंस रहे हो खाली। मैं इस तरह समझ चुका हूँ, इसीलिए मैं अपने बाकी जोकों को निष्कासित कर चुका हूँ। एक जोक मेरा था कि दुखी लोगों मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, दूर दूर से ही हटा देता हूँ मैं दुखी लोग, कोई आता है भाई जिंदगी भाई भोसड़ी वहां किसी भी। हाँ अगले लोड़ा बताने के बाद क्या कर रहा है? ये मैं बीच में जोक बांधने वाला था, तुम लोगों को लगे कि फॉर्मल है लौंडा, स्टैंड अप कॉमेडी करते समय भी बात कर ले रहा है किसी से। ये दोस्त मैं बताया ना, दोस्त लोग का शुरू से ही ऐसे दोस्त मेरे लोगों का इसी तरह का। तो वही यार, इसे मेरा तो खत्म ही हो गया माहौल। मैं वही देखा ना, जो लोग तैयारी करके आए थे, जब इन लोग तैयारी करके गांड भरा जा रहा है, तो मैं बिना तैयारी करके जाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा वो। खैर कविता वविता सुना दो क्या, एक आठ हो, लेकिन बहुत सीरियस वाला कविता है वो, पूरा माहौल का वो कर देगा कि, लेकिन एक सुना देता हूँ। अच्छा मैं एक दोस्त लोग का और एक बताता हूँ। मैं अपने एक दोस्त को फोन, मतलब यहाँ पे क्या माइंडसेट ये रहता है ना लोगों का, कि उसको बता रहा हूँ भाई आर्ट फॉर्म है, ये करना हुआ नहीं यहाँ पे ना, नहीं यार हिसाब हिसाब से करेंगे। मतलब दोस्तों का मैं अपना स्तर बताता हूँ। एक दोस्त को मैं बोला कि, उसने बोला जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पिक्चर देखा हूँ, बहुत मजा आया। मैं बोला यार चल अच्छा है, कोई तो एक दोस्त है साला जो अच्छी फिल्में देख रहा, अच्छा वो कर रहा है। मैं बोला तेरे को उसमें सबसे बढ़िया क्या लगा उस पिक्चर में? यार सबसे बढ़िया ये था ना कि सब अपना अपना खर्चा खुद देखते हैं, उसको सब अपना अपना पैसा लगाते हैं, किसी को इधर उधर करना नहीं पड़ता। चलो एक मैं कविता इसके बाद सुना देता हूँ। कविता थोड़ा सा थोड़ा कविता सीरियस वाला है, तो मैं इसमें मतलब ना आदमी के दोगलापन पे कविता लिखा हूँ, कि कैसे हम लोग बोलते कुछ और हैं करते कुछ और है। छोटा सा कविता है भैया, नीचे आने का कुछ। हाँ तो कविता का शीर्षक है मैं कार लंबी चलाऊंगा। गंदा भोसड़ी के पे हंसोगे तुम लोग। तो मैं कार लंबी चलाऊंगा, तो मैं चालू करता हूँ ठीक है। मैं कार लंबी चलाऊंगा, मैं वर्षों पहले मरे जीव से खूब तेल निकलवाऊंगा, अनेक सिक्के खनखनाऊंगा, उस खनखनाहट की धुन में मैं खुद बहरा हो जाऊंगा। लौड़ा कॉमेडी नहीं है, इसमें दिमाग है पीछे बहुत। देख मैं वर्षों पहले मरे जीव से खूब मतलब तेल निकलवाऊंगा, इसका मतलब ये है कि जब आदमी लोग मर जाते हैं ना, तो कई करोड़ों साल के बाद कार्बन एमिशन होता है, उन लोगों का पेट्रोलियम बन जाता है, फिर अलग अलग तापमान में उसको निकाल के मोम पेट्रोल ऐसा सब बनाते हैं। तो ये मतलब था उसका, कि मैं वर्षों पहले मरे जीव से खूब तेल निकलवाऊंगा, मैंने पेट्रोल निकलवाऊंगा, उसके बाद अनेक सिक्के खनखनाऊंगा, उस खनखनाहट की धुन में मैं खुद बहरा हो जाऊंगा, पर मैं कार लंबी चलाऊंगा। A1 पेड़ों से बात हो रही है। A1 माना तुझसे सांस है मेरी, फल छांव दोगे विश्वास है मेरी, मैं फिर भी तुमको काटूंगा, हर हिस्सा बेच के बांटूंगा, हर बीज पे तेरे बजरी मार के मैं लंबी सड़क बनाऊंगा, पर मैं कार लंबी चलाऊंगा। जब कार मेरी आ जाएगी, मैं खूब ध्वनि बढ़ाऊंगा, मैं रफ्तार से बतियाऊंगा, फिर सड़क किनारे कृषि पाठशाला में मैं शपथ ग्रहण कराऊंगा कि आज से प्रण लेता हूँ मैं प्रदूषण नहीं फैलाऊंगा, पर मैं कार लंबी चलाऊंगा। धन्यवाद।
तालियां बजते रहनी चाहिए उसको, तुम लोगों को पेमेंट भी मिलेगा। तुम लोग और बताओ जोर से, बहुत बढ़िया जो